हाँ भाई ज्वाइन हो गए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बेटा। दिव्या क्लास में आ गई? यस सर। चलो कल हम आप लोग को करवा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बच्चों। एक काम किया करो, एक ग्रुप में मैसेज डालने के बाद जो मैसेज के आप लोग के सॉल्व हो जाए करे ना, उनको डिलीट कर दिया करो। क्या होता है कि मतलब इतना ढूंढना पड़ता है मेरे को इतना जाना पड़ रहा है ना, तो उसको हटा भी सकते हो आप लोग। पीडीएफ ढूंढ कहाँ है। हाँ मिल गई। तो यार अपन कल मैंने नंबर 7 कराई थी, ठीक है ना। 7 नंबर पीडीएफ। चलो 7 नंबर पीडीएफ है, देख लो भाई ग्रुप में भी जाके देख लो। 7 नंबर पीडीएफ है सर। वो डेट की कौन सी तारीख पे अपलोडेड है ग्रुप में? कल ही अपलोड करिए, कल या परसों। टैग कर दो यार बच्चों लोग, टैग कर दो जो लोग हैं पीडीएफ में मिल गए उनको टैग कर दो। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लियो मैं टैग। हाँ टैग हो गई। चलो उधर पाठशाला में भी टैग कर दो सब लोग। सर दोनों ग्रुप में डाली है मैंने, याद से करो। चलो मिल गई मुझे। पासवर्ड है 9425184292। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को नहीं मिली है तो देख लेना, मिल जाएगी, ग्रुप में डली हुई है, ठीक है ना। और क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं तो थोड़ा सा क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन देता हूं मैं, तो आरडी शर्मा कौन लाए इतनी भारी, आरएस अग्रवाल कौन लेके आए, तो अपन ग्रुप से ही करते हैं सही। चलो बच्चों ये बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, बोलो भाई कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। सर 26। 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक मिनट, ये 7 नंबर नहीं थी यार, 7 नंबर नहीं थी सर, 6 नंबर थी। हाँ 6 नंबर करनी है। 7 नंबर में तो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले। हाँ 6 नंबर में बताइए कौन सा क्वेश्चन नहीं बना सर। 23rd। चलिए क्वेश्चन नंबर 23rd पे आ जाइए। हाँ ठीक है 23rd एक ने बोला और दूसरे ने 26 बोला है। 23rd भाई मैंने कल बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने करवाया भी है 23rd जैसा एक क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 23rd देखिए सभी लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23rd, इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 1। हाँ दो चीजें हैं, एक है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 पहला इक्वेशन, और दूसरा है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 1। बी इक्वल टू 1 ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 1 और कह रहा है एंगल ए बी से बड़ा है। अच्छी बात है भाई, एंगल ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है देख लेंगे वो बाद में। कह रहा बताइए ए और बी की वैल्यू निकालिए। वेरी इजी क्वेश्चन है ना, आई होप बनता है सबसे। देखिए साइन ए प्लस बी, बेटा 1 को मैं साइन की टेबल में देखो, साइन 1 कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे। अगर आप टेबल देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की तो 1 जो होता है साइन 90 डिग्री में होता है, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब साइन से साइन एलिमिनेट कर दीजिए बच्चों, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितने डिग्री? 90। इसका दे दो इक्वेशन नंबर 1। इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरा इक्वेशन यहां से मिलेगा आपको कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 1। तो कॉस ए माइनस बी, बच्चों देखो कॉस की टेबल में 1 कितने डिग्री पे होता है? कॉस की टेबल पे 1 कितने डिग्री पे होता है? कॉस 0। कॉस 0, सो यू कैन राइट इट कॉस 0। ओके सो ए माइनस बी
इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। बस सॉल्व कर लो यार ए और बी को, चलो भिड़ा दे दोनों को एक बार। ए प्लस बी इक्वल टू 90 एंड ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, दोनों को ऐड कर दो। ए प्लस ए कितना हो गया 2a, बी से बी क्या हो गया कैंसिल, कितना हो गया 90, सो ए इज इक्वल टू 90/2। आंसर कितना आ गया बच्चों 45 डिग्री, पहला आंसर ए का। चलो अब इस पे वैल्यू पुट कर दो, a माइनस बी इक्वल टू जीरो है बोले तो a इक्वल टू बी, मतलब b इक्वल टू a, और जब a 45 है तो b भी कितना होगा 45। नोट करो फटाफट, नोट कर लीजिए आंसर 45 डिग्री। यस यस सर, पेन मैम पेन, हाँ भूल गया भाई। ठीक है बच्चों, आर एस अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन लगाओ है, भेज दी थी, ओके ठीक है, वेरी गुड, देखा नहीं अभी देख लूंगा। ये अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, एक एक्सरसाइज पहला पार्ट हो गया है 6.5 एक्सरसाइज 5 है ना, मतलब उसमें 5 नंबर चैप्टर है, ये 6 चल रहा है, इसके बाद 7 आएगा। हाँ मोबाइल में लेके आओ ना, या ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हमें, ले आ सकते हो। चलो डन बच्चों, डन, कोई दिक्कत? यस सर। चलो रफ कर दूं? डन सर, यस सर, रफ कर, यस सर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, इसका पीडीएफ नहीं बन के मिलेगा है, हाँ यस सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यस अगर छूट रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला डाउट बताओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए 26 पे आते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26? ओहो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखिए जी, इसमें एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है, और वो आइडेंटिटी अभी मैं इसको करवा सकता हूं क्या, वो आइडेंटिटी यदि यहां पर इस्तेमाल हो जाए, बिल्कुल जेन्यून, जिन बच्चों से क्वेश्चन नंबर 26 नहीं बना है बिल्कुल सही नहीं बना है, एक्चुअली यहां पर एक आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है, अभी वो आइडेंटिटी इस केस के लिए रट लेना, बट आज वो आइडेंटिटी अपन पढ़ के जाएंगे यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 का कहना है, क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ 3x इक्वल टू कोसेक थीटा, 3x इक्वल टू कोसेक ऑफ थीटा एंड 3/x एंड 3/x इक्वल टू कॉट थीटा, तो ये हमसे बोल रहे हैं देन द वैल्यू ऑफ, देन हमसे वैल्यू पूछी जा रही है 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x2, ओके। तो हमसे ये वैल्यू जो पूछी जा रही है, ये वैल्यू पूछी जा रही है हमसे 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x2, थोड़ा लॉजिकली इसको करना है बच्चों, ये करना है देखो समझेंगे। हाँ पहले क्वेश्चन के ऊपर डालो हॉट्स, मतलब सामान्य बुद्धि का ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ी सी ऊपर वाली बुद्धि लगी, चालाकी लगी, चालाकी, ठीक ना। आइए क्या चालाकी करना है, अब देखो इसके पास 3x बैठा है, इसके पास भी 3/x है ना, तो अब यदि तुम x स्क्वायर है तो मेरे मन में हो रहा है अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या होगा, मैं यहां पे क्या है x स्क्वायर है, तो मेरे मन में लग रहा है अगर मैं यहां पे स्क्वायर करूं तो क्या होगा, तो स्क्वायर करके देख लो, तो अगर 3x cos थीटा है तो 3x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, और ये बन जाएगा cosec थीटा का होल स्क्वायर, मतलब cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अगर इसका भी स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 9/x2 और ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, ये बन जाएंगे दो चीजें, है ना। तो बट यार अपने पास 9 तो है नहीं, तो मैथ्स अपन को सपोर्ट करती है, मैथ्स का कहना है कि तुम कुछ भी ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, बस बदले में उसको डिवाइड कर दो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तो मैंने क्या किया, 3 का मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया और 3 का नीचे डिवाइड कर दिया, तो यहां पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x2, अब ये 3 का कितना बन गया बेटा 9, अब इस 9 को उठा के अंदर डाल दो तो 1/3 तुम बाहर बैठो, और ये बन गया 9x2 माइनस 9/
एक्स स्क्वायर। ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो वन बाई थ्री बेटा नाइन एक्स स्क्वायर ये देखो निकाल रखा है, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। और नाइन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, नाइन एक्स स्क्वायर और ये हो गया नाइन अपॉन एक कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ये एक हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। आज बच्चों मैं आपको जो आइडेंटिटी पढ़ाने वाला हूं उसमें एक आइडेंटिटी आएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है वन। तीन आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा, आइडेंटिटी नंबर थ्री यही है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो यहां पर आप वन प्लेस कर दो तो क्या क्या आ गया, इधर आ गया वन बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन, आंसर लिखो वन बाई थ्री। तो इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, पूरा पूरा आइडेंटिटी का कमाल है, नोट करो पूरा पूरा आइडेंटिटी का कमाल है। चलिए ऑल क्वेश्चन डन सर, क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन सर। हाँ बेटा सर प्लीज टेल इन शॉर्ट सर दिस क्वेश्चन ओनली। ओके क्या हुआ डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? यस सर वो बीच में थोड़ा सर। देखो 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, बेटा 3 का मल्टीप्लाई किया 3 का डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि यहां पे जिसको स्क्वायर करने पर मेरे को 9 दिख रहा है, तो 9 लाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड, तो 3 3 जा हो गया 9, 9 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ किया तो 9x स्क्वायर, ये आ गया 9x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x स्क्वायर और 1 बाई 3 बाहर बैठा है। 9x स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 9x 9 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई 3। और बेटा ये आइडेंटिटी आज के लिए याद कर लो, ये आइडेंटिटी होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1, अभी याद कर लो। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, गलती से यहां पर बुक वालों ने रख दिया इसको, ठीक है ना? तो बस इसमें ये वाला स्टेप नया है और थोड़ी सी यहाँ पे चालाकी लगी कि 9 का मल्टीप्लाई करना 3 का ऊपर 3 का नीचे, बस इस चालाकी के अलावा इसमें कुछ नहीं है। चलो ठीक है। हाँ अगर कुछ बच्चे जो है इसको ओपन करके x की पावर 4 करके जाएंगे तब तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे कि क्या हो गया। अगर आप इसको x की पावर 4 कर देंगे ना तो बहुत परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री में यही होता है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को गलत तरीके में ले गए, गलत दिशा में ले गए, वो आपको इतना बुरा उलझा देगा फिर आप वहां से वापस नहीं आ पाएंगे। चलो ठीक है बच्चों ये हो गया। और हाँ क्वेश्चन नंबर 10 पूछा स्वास्ती ने, ओके क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में स्वास्ती दो पार्ट है, कौन सा बताऊं फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वन, फर्स्ट वन। ओके इसको रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें। यस सर डन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फर्स्ट वन है शो दैट, कह रहा शो करिए 1 माइनस साइन 60 डिवाइडेड बाई कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 10 60 डिग्री माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 60 डिग्री प्लस 1। तो ये आपको शो करना है कि ये दोनों पार्ट जो है आपके इक्वल है, तो इसमें आपको LHS की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और आपको इसमें RHS की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। LHS और RHS दोनों निकाल करके आपको दिखाना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है ये, आइए जस्ट इसमें वैल्यू प्लेस करनी है हमें। तो 1 sin 60 की वैल्यू देखिए टेबल देख करके सॉल्व कीजिए। ये देखिए ऊपर आ गया 2 माइनस रूट 3, एलसीएम लेके आएगा 2 और यहाँ आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, ये मैंने क्या कर दिया इक्वल पहले लगा दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। एक इधर लेना है LHS और इधर लेना है RHS और दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है।
इक्वल नहीं लगाना है, इक्वल अपन को पता थोड़ा ना, अपन को तो प्रूफ करना है ना, अपन को पता थोड़ा ना कि इक्वल है, हमें तो प्रूफ करना है। तो हम एक तरफ LHS लेंगे और एक तरफ RHS लेंगे, और इसको करने का कोई तरीका है नहीं अभी। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब LHS में हमारे पास बचा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, मतलब ये हमारे पास कितना आ गया 2 माइनस रूट 3, ये आ गया। अब RHS से ही उम्मीदें हैं हमारी, क्योंकि RHS थोड़ा बड़ा दिख रहा है, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। बच्चों क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन क्लास 9th में सब लोग पढ़ के आए हो, वही करेंगे, रूट 3 प्लस 1। तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो अपोजिट साइन क्या हो जाएगा इसका, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1। नोट करिए यहां तक, तो ये रूट 3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब कैसे करेंगे, ये देखिए a माइनस b मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहां पर यही आइडेंटिटी लगानी है रूट 3 माइनस 1 के होल स्क्वायर में। तो देखिए a की जगह कौन बैठा है, रूट 3 का स्क्वायर, b की जगह बैठा है 1 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1, तो रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और माइनस 2 रूट 3, तो कितना आ गया 4 माइनस 2 रूट 3। तो ये हो गया बेटा 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4 माइनस 2 रूट 3, ये सॉल्व कर दिया मैंने यहां पे, ठीक है ना। अब नीचे आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी लगेगी, a प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मींस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। प्रगति आई हो क्लास में आज बेटा? यस सर। ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए सो 4 माइनस 2 रूट 3, सब लोग जानते हैं a स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ओके सो 3 माइनस 1, थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे इसको, ऊपर है 4 माइनस 2 रूट 3, कोई दिक्कत हो दिखने के लिए बता दीजिएगा, नीचे लिख रहा हूँ 4 माइनस 2 रूट 3, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है बड़े प्यार से, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 2 जा 4 और यहाँ पे रूट 3 और नीचे है 2, देखिए 2 कॉमन लिया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 2 माइनस रूट 3, ये कितना आया था 2 माइनस रूट 3, तो LHS भी 2 माइनस रूट 3 है और RHS भी 2 माइनस रूट 3 है, नोट कर लो। Done, sir. ठीक है बेटा, वेरी गुड। और कोई डाउट? नो सर। ओके ठीक है, तो बहुत बढ़िया, इस एक्सरसाइज को यहीं पर, इसका हिसाब किताब बंद करते हैं और अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो हमारी चैप्टर 6 RS अग्रवाल का यहाँ पर कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, ये हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर सेवन RS में। तो फाइल आप लोग ओपन कर लीजिए पॉइंट नंबर 7 की, और अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट, पहले पूरा इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, तो अभी कोई जरूरत नहीं है कुछ भी देखने की, पूरा बोर्ड में ही आपको देखना है। चलिए बच्चों देखिए, बेटा पासवर्ड मेरा फोन नंबर है 9425184292, ठीक है, कई बार बोल चुका हूँ भाई। सर आपका फोन नंबर याद हो गया? हाँ, इसीलिए पासवर्ड मैंने दिया मेरा फोन नंबर, की याद हो जाए और तुमसे कोई भी स्टूडेंट पूछे तो तुम मेरा फोन नंबर बता दो डायरेक्टली, ये लॉजिक है उसमें, ठीक है ना। और तुम 20-25 साल बाद भी मुझे याद करोगे तो फोन नंबर तुम्हें नहीं भूलेगा। अभी भी मेरे विद्यार्थी मुझे फोन लगाते हैं, कहते हैं सर आप भूल गए, आपका फोन नंबर नहीं भूला, ठीक है। सो इसलिए ये लॉजिक है इसके पीछे कि आप लोग याद रखो, ठीक है। तो चलो खोलो पासवर्ड, ओपन कर लो फाइल, ठीक है ना। और अब पढ़ा रहा हूं मैं, हेडिंग डालिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला, हेडिंग डालिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला।
बच्चों ये चीज सिलेबस से डिलीट कर दी गई है, बट मैं 11th और 12th पढ़ाता हूं, तो इस साल बच्चे जो मेरे पास आए 11th क्लास के, जब मैंने उनको फिजिक्स पढ़ाना शुरू करी, तो मैंने एक सवाल पूछा इससे रिलेटेड कि बच्चों बताओ कि साइन 90 माइनस थीटा पढ़ के आए हो, तो बच्चे हो गए चुप, उनको कुछ नहीं पता है ना, तो मुझे फिर से उन्हें बताना पड़ा। तो जब मुझे अगले साल आपको फिर से ये बताना है या किसी को भी आपको बताना है, तो इसको क्यों रिमूव करें, और 11th 12th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पता नहीं क्यों इसको हटा दिया गया है, मैं इसको हटाने के पक्ष में नहीं हूं, ठीक ना, तो इसको जबरदस्ती गलत तरीके से रिमूव किया गया, मुझे लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे हमें पढ़ना चाहिए, और ये एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इस बार नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कर लीजिएगा, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, और जो एनटीएससी दे रहे हैं उनको तो मिलेगी, वहां तो डिलीट हुआ नहीं है। चलो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, आइए देखिए क्या होता है। बच्चों ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम लो ए बी सी। सब लोग जानते हैं कि सर ये 90 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है, और अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा, है ना जी, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके क्या देना है, 90 देना है इन, क्योंकि एक तो 90 हो चुका है और ट्रायंगल के तीन एंगल का सम होता है 180, तो जब एक बेचारा 90 हो चुका है तो बाकी दो बेचारों को क्या होना पड़ेगा, टोटल होके 90, तो अगर एक है थीटा तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा, और जिसको यकीन नहीं हो भैया जोड़ लो दोनों को, थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ करके देख लो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा कट गए, आंसर कितना 90, मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट है एंगल सी, और एंगल सी का कॉम्प्लीमेंट है एंगल ए, है ना जी, ए का कॉम्प्लीमेंट सी और सी का कॉम्प्लीमेंट ए, या ये कह लो कि थीटा का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा, तो मैं लिखता हूं कि थीटा का कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है, 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट है थीटा, ठीक, यहां तक क्लियर, जवाब दो यस कि नो, यस सर, ठीक है, यस सर, ठीक है, ओके। अब देखो अब आगे की बात करते हैं, अब एक चीज देखो बच्चों, इस एंगल ए के लिए, अब इस एंगल ए के लिए और एंगल सी के लिए, मतलब एक अपने पास एंगल है 90 माइनस थीटा और एक अपने पास है थीटा, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहा हूं, पहले सबसे पहले मैं ए के लिए निकालता हूं, क्या निकालूंगा, साइन कॉस टेन, तीनों ए के लिए, तो एंगल ए के लिए बेटा ये बनेगा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल ए के सामने लाइट मारो, सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो बेटा सेम होता है, कभी बदलता नहीं है, ये तो हाइपोटेनस है, और ये एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है, और ये चिपकी हुई साइड क्या है बेटा, इसके लिए बेस, इसके साथ जो एडजेसेंट साइड होती है चिपकी हुई साइड क्या है, वो बेस है। अब आराम से दिमाग को खोलते हुए, साइन हाँ किस एंगल के लिए, इसके लिए, इसका नाम क्या है, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के लिए हम निकालते हैं साइन, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है, तो 90 माइनस थीटा के लिए साइन निकालेंगे, 90 माइनस थीटा के लिए हम कॉस निकाल रहे हैं, और 90 माइनस थीटा के लिए हम टेन निकाल रहे हैं, बस तीन निकालेंगे बाकी छह आगे करेंगे, तो हमने 90 माइनस थीटा के लिए साइन निकाला, 90 माइनस थीटा के लिए हमने कॉस निकाला, और 90 माइनस थीटा के लिए क्या निकाला, टेन, ठीक है, और क्या होते हैं कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा, चलो छह के छह निकाल लेते हैं, सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा, चलो ये 90 माइनस थीटा के लिए छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लें, आप लोग एक काम करो जल्दी से मुझे छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल करके दो, एक मैं निकाल देता हूं, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन, बीसी, हाइपोटेनस कौन, एसी, तो पहला आ गया बीसी अपॉन एसी, ऐसे करके आप जो है बाकी निकालो, ऐसे करके आप लोग जो है बाकी निकालो, बीसी अपॉन एसी जैसे मैंने निकाला, सारे निकाल लिए सर, यस सर, ब्लैक दो ना सर, यस सर, गाढ़ा गाढ़ा वाला डार्क वाला एकदम, केवल ब्लैक चाहिए सर, निकाल लिए,
चलो चेक करो जिन्हें निकाल लिया है सब लोग चेक करो. साइन 90 माइनस थीटा बीसी अपॉन एसी, कॉस 90 माइनस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस. भैया इसके लिए बेस क्या था, ए बी अपॉन ए सी. इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी सी अपॉन ए बी. अब बस इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, तो पलटो इसको साइन को, ए सी अपॉन बी सी. इसको पलट दो, ए ए सी अपॉन ए बी. और इसको पलट दो, ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी. आई होप सबका यही आना चाहिए. यस सर. ठीक है, अगर सबका पहली बार में ये आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है आप लोग की. अब ये किसके लिए निकाला बच्चों, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके लिए निकाले, इसके लिए. अब ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप इसके लिए निकालो, इस थीटा के लिए. अब याद रखना परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा और बेस चेंज हो जाएगा. अब इसके लिए लाइट मारो, लाइट यहां पड़ेगी, मतलब ये बन गया परपेंडिकुलर और ये बन गया बेस. चेंज करो तो यहां बी था, अब यहां लिखो पी और यहां लिखो बी. चलो अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके लिए लिखो, थीटा के लिए. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, नहीं कोसेक आएगा पहले, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा. चलो लिखो, एक मैं लिख देता हूं साइन थीटा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी, ए बी बाई ए सी. डन सर. दो मिनट सर. ए बी बाई ए सी लिखो, लिखो आराम से लिखो. डन. चलो बोलो कॉस थीटा कितना आया है, बी सी अपॉन ए सी, बी अपॉन ए सी. टेन थीटा ए बी अपॉन ए बी बाई बी ए बी, ए बी बाई बी सी. और sec cosec थीटा ए सी अपॉन ए सी अपॉन ए बी. sec थीटा बी सी अपॉन ए सी अपॉन बी सी, ए सी बाई बी सी, ए सी अपॉन ए सी बाई. और cot थीटा बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए बी, बी सी अपॉन ए बी, बी सी बाई ए बी. बस बिल्कुल सही. अब बच्चों आप लोग इसको देखो, ये वाली टेबल और ये वाली टेबल, इन दोनों में रिश्तेदारी लगानी है. ये देखिए, अब देखिए यहां पे थीटा के लिए जो साइन दे रहा है ए बी अपॉन ए सी दे रहा है, मतलब थीटा के लिए जो साइन था 90 माइनस थीटा के लिए वही ए बी अपॉन ए सी क्या बन गया, कॉस बन गया. जो थीटा के लिए साइन मिल रहा है आपको ए बी अपॉन ए सी, वही 90 माइनस थीटा के लिए कॉस दे रहा है, मतलब ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा. बोलो यस और नो, कॉस ऑफ 90 माइनस. यस सर. अब देखिए जो कॉस के लिए थीटा है वो कौन दे रहा है, साइन, साइन बी सी अपॉन ए सी दे रहा है, मतलब कॉस का जो थीटा है वो साइन कन्वर्ट हो रहा है 90 माइनस थीटा के लिए, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. देखो यहां जो 10 है ए बी अपॉन बी सी, और 10 वहां है थीटा के लिए, और ए बी अपॉन बी सी यहां कौन दे रहा है, देखो ये देखो ए बी अपॉन बी सी कॉट दे रहा है, तो 10 थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा. ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या दे रहा है कन्वर्ट होकर के, कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा. देखिए कोसेक ए बी ए ए सी अपॉन ए बी है, यहाँ पे कोसेक ए बी अपॉन ए सी अपॉन ए बी, देखो कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है सेक, सेक सेक बन रहा है, तो ये हो गया सेक 90 माइनस थीटा. और जो यहाँ का सेक है ए सी अपॉन बी सी कहाँ गया, कोसेक बन गया. अभी ये टफ लग रहा ना आपको, बहुत इजी लगेगा, अभी ट्रिक बताता हूं. 90 माइनस थीटा, ठीक है, और कॉट बी सी अपॉन ए बी क्या बन गया, 10 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा. पहले इतना लिख लो फिर एक ट्रिक बताता हूं.
Sir, done. Written, sir. हाँ जी, बन गया बच्चों, सबसे बन गया, समझ में आ गया? यस सर रिटेन। अब देखिए मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूं उससे एक चीज देखिए, समझिए इस चीज को। आप देखिए, आपने थीटा का कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट है थीटा। दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं। थीटा का कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या है? थीटा। अब बस तीन चीजें याद कर लो बच्चों। कॉम्प्लीमेंट रेसिप्रोकल याद किया था कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और सेक का रेसिप्रोकल कॉस, उल्टा हो तो बात यही है, और टेन का कॉट, टेन का कॉट, वो थे रेसिप्रोकल पेयर। अब याद करो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, क्या याद करो? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में याद करो कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन। मतलब साइन का थीटा जाएगा तो कॉस में 90 माइनस थीटा जाएगा, समझ गए ना? और कॉस का थीटा जाएगा तो साइन में किस में जाएगा? 90 माइनस थीटा। मतलब साइन कन्वर्ट होगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट होगा साइन में। तो साइन जाएगा कॉस में, कॉस जाएगा साइन में। दूसरा लिखो, टेन का क्या होता है? टेन का वही होता है बच्चों कॉट, टेन का कॉट और कॉट का टेन। देख लो, टेन का कॉट और कॉट का टेन, और सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। ये लिख लो पहले, अब इसके बाद मैं फॉर्मूले बनवाता हूं भड़ा भड़ एकदम जल्दी से, ठीक है? डन सर। ठीक है, डन। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के फॉर्मूले अब मैं बनवा रहा हूं। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के फॉर्मूले बनवा रहे हैं। ओके, यस। चलो देखो, देखना, साइन थीटा बस इक्वल्स टू, बोलो साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या पढ़ाया? कॉस। थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या? 90 बस दोनों चेंज करो, 90 माइनस थीटा, बिल्कुल दोनों चेंज करना है। साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब चलिए कॉस थीटा, कॉस का कॉम्प्लीमेंट कौन? साइन। साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट कौन? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, बोलो बच्चों, ठीक है? यांची प्रकृति यस सर, क्लियर है? यस सर। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन? कॉस। कॉस और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या? थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा। चलिए अगला, टेन 90 माइनस थीटा, बोलो क्या आएगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या आएगा? टेन थीटा। टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या आएगा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या आएगा? सेक थीटा। सेक थीटा।
बिल्कुल सही sec थीटा, समझ में आ गया। अब आप अपने बुक के पन्ने खोल करके उसके फॉर्मूले देख लो, देख लो सारे फॉर्मूले क्लियर। अब आप बुक के फॉर्मूले देख लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, ठीक है बेटा, फॉर्मूले चेक कर लो बच्चों। आई होप सारे फॉर्मूले क्लियर होंगे। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। डन सर। ठीक है साइन। अब चलो अब आंख मूंदो। हाँ ले लो उसके बाद फिर आंख मूंद करके फॉर्मूले पूछूंगा मैं, बताना जल्दी से। हाँ जी सर, अब इसके बाद फॉर्मूले बताएंगे। चलो आंख बंद करो और फॉर्मूले बताना शुरू करो। चलो बोलो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा साइन थीटा कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट थीटा। कॉसेक है ना, ठीक ना, कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। टेन थीटा सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू cot theta 90 minus theta sec theta equal to cosec 90 minus theta cosec 90 minus theta है ना, और cot theta equal to tan 90 minus theta। चलिए ठीक है। सो गाइस यू आर वेल इक्विप्ड नाउ टू क्रैक दिस एक्सरसाइज। नाउ दिस एक्सरसाइज पॉइंट आर 7। तो अब 7 एक्सरसाइज खोल लो और दो तीन क्वेश्चन बचाऊंगा बताऊंगा, उसके बाद देखना आप पूरी इसके 30 जितने भी पेजेस हैं इसको आप उड़ा करके रख दोगे। आओ करते हैं क्वेश्चंस मजेदार तरीके से। चलिए भैया ओपन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, बेहद इजी क्वेश्चन आएगा पहला। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन इज साइन 16 अपॉन साइन कॉस 74। साइन 16 डिग्री अपॉन कॉस 74। बेटा रुक जाओ अभी आराम से, पहली चीज बेसिक सिखाऊंगा बिल्कुल। अच्छा एक काम करो जल्दी से दोनों के एंगल जोड़ करके देखो, देखो कॉम्प्लीमेंट्री का माजरा है कि नहीं है। 16 और 74 को जोड़ करके देखो कितना आया 90 मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों टॉम एंड जेरी हैं। हाँ टॉम एंड जेरी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, समझ गए ना, एक दूसरे के पीछे भागता है। तो बच्चों या तो टॉम को पकड़ के जेरी बना दो या तो जेरी को पकड़ के टॉम बना दो। अगर साथ ही साथ टॉम को जेरी में बदला और जेरी को टॉम में बदला तो दोनों एक पीछे के पीछे घूमते रहेंगे। दोनों को मत बदलना, किसी एक को पकड़ो और बदल डालो। चलो क्या सिखाया फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू कितना कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा नीचे वाले को रोक दो कॉस 74, इसे हाथ मत लगाओ। अब ऊपर वाले को बदलो, साइन थीटा इक्वल टू इसे लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 16, क्योंकि थीटा कितना है 16 है। चलो cos 90 माइनस 16 कितना बन गया, cos 90 में से 16 का कितना 74 अपॉन cos 74 कट कट गया। बोलो आंसर आया है 1, चेक करो सर यही आ रहा है। हाँ चलो कर दो मर्डर पूरी एक्सरसाइज का, फटाक फड़काओ एकदम से जल्दी जल्दी दूसरा क्वेश्चन, और जिनके पास एनसीईआरटी यहां वाले बच्चे एनसीईआरटी करें, दूसरा क्वेश्चन कीजिए। हाँ ठीक है दूसरा क्वेश्चन कीजिए। ना बने तो पूछो।
ठीक है, बन रहे क्वेश्चन, एग्जाम्पल से करो आप, है एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से देखो और इजी बनेंगे। हाँ, सेकंड क्वेश्चन बन गया क्या सबको? यस सर। हाँ ऑब्वियसली, तभी तो कैंसिल होगा बेटा। देखो बच्चों, डिवीजन वाले क्वेश्चन में 90% कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन में कुछ ऊपर रहेगा कुछ नीचे रहेगा, चेक कर लेना किसको किसको जोड़ के 90 हो रहा है। जो जो 90 सम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों टॉम एंड जेरी हैं। फिर पकड़ के या तो जेरी को टॉम में बदल दो या टॉम को जेरी में बदल दो, दोनों को एक साथ मत बदलना। नहीं, आप कहते सर जी साइन को कॉस में बदलो और कॉस को साइन में बदलो, लियो फिर कुछ नहीं होगा, बैठे रहेंगे दोनों, समझ गए ना? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड डन गाइस। सर अगर 90 नहीं आए तो सर दोनों का एडिशन? ऐसा होएगा ही नहीं बेटा। यस सर। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ तो उसको फिर किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, या उसकी वैल्यू, या उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। वैल्यू मैंने पुट करना आपको पिछले एक्सरसाइज में सिखा दी है। अनूप, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया बेटा। नितेश, क्वेश्चन नंबर 2 बना कि नहीं बना? यस सर। यस सर, थर्ड आल्सो। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 करिए। अच्छा, कल की हॉलिडे नहीं रहेगी, याद रखना। ऑनलाइन टेस्ट रहेगा कल, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का टेस्ट रहेगा कल ऑनलाइन। ओके सर। ठीक है, अच्छी तैयारी कर लो शाम तक में। 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम धुआंधार क्वेश्चन दूंगा। जिस लेवल में पढ़ाया है उससे भी ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन रहेगा। मैं टाइमिंग सेंड कर दूंगा ग्रुप में, मे बी सुबह होगा बच्चों टेस्ट, 11 बजे के आसपास। कल 10 बजे बायो का टेस्ट है तो 11 तक तो हो जाएगा ना। आपके तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, टाइम ही कहाँ लगता है उनमें, वो तो आप लोग 10-15 मिनट में कर देते हो, मैंने देखा है। मेरे होंगे सब्जेक्टिव बड़े बड़े हैं सर, टेस्ट बस रहेगा सर, क्लास नहीं रहेगी। नहीं, क्लास रहेगी ना, मैं आऊंगा थोड़ा सा असिस्ट करूंगा, आप लोग को बताऊंगा कैसे करना क्या करना है। यस। फिर उसके बाद आप लोग 2 बजे तक सबमिट कर देना अपने हिसाब से। सर, पाठशाला वाले स्टूडेंट्स को भी करना है ना टेस्ट? सभी को भाई, सब एक हो गए हैं। सर, वो कितने बजे रहेगा, एक बार आप रिपीट कर सकते? 11 बजे के आसपास रहेगा, मैं मैसेज कर दूंगा। चैप्टर 2 का या 3 का? चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है सर। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सारे बन गए आप लोगों से, है ना? यस सर। ओके सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। yes, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। पिछले बार टॉम एंड जेरी ऊपर नीचे बैठे थे तो कट गए थे, तो 1 हो गया था। अब टॉम जेरी अगल बगल में बैठे हुए हैं, तो जब माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, कॉस 81 माइनस साइन 9। देखिए, cos 81 माइनस साइन 9, cos 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, जरा जोड़ करके देखिए 81 और 9 को कितना हो रहा है, 90। तुरंत देखते ही 90 है, मन में लड्डू फूट गया, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। चलो भाई, तो अपन एक को रोक देते हैं, cos 81 को हाथ मत लगाओ। साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या? cos। और थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या? 90 माइनस थीटा। अरे भाई, थीटा 9 है तो 9 का कॉम्प्लीमेंट क्या? 90 माइनस
थीटा, चलो तो माइनस कॉस है और ये भी कितना बन गया 81 और ये भी कितना है 81, बोलो आंसर कितना, जीरो। चेक करो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। यस सर। ठीक है तो फिनिश यहाँ पर, होमवर्क लिखिए, कंप्लीट एक्सरसाइज आराम से कीजिएगा, पहले केमिस्ट्री पढ़िएगा कल क्योंकि पहले टेस्ट रहेगा इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आप लोग को ये, उसके बाद आप पूरा दिन बैठ करके अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक ना, ये आपकी पूरी एक्सरसाइज आपकी होमवर्क है। एंड साथ में एनसीईआरटी का मन हो लगा लेना, नहीं तो मैं तो लगवाऊंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों।